हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कर रहे हैं हमारी मॉक सीरीज़ और ये है पार्ट 6 ग्रीन ओलंपियाड के लिए फॉर क्लास 6 to 8। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आपने पीछे वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सेम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक ले सकते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 75 क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं, अब हमारा ये 76 क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्फीबियन। ऑप्शंस हैं आपके सेलेमेंडर्स, लिजार्ड्स और फिश। सो जो आपके एम्फीबियंस होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाटर के साथ साथ लैंड पे भी ईजिली रह सकते हैं। सो आपके जो लिजार्ड्स हैं वो सिर्फ लैंड पे रहती हैं, फिश हैं वो सिर्फ वाटर में रहती हैं, लेकिन जो सेलेमेंडर्स हैं वो आपके वाटर के साथ साथ लैंड पे भी रह सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है सेलेमेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेफ लेवल ऑफ नॉइज इंटेंसिटी फॉर ह्यूमंस। ऑप्शंस आर अप टू 90 decibels, अप टू 70 decibels और अप टू 80 decibels। सो देखो, सेफ जो डेसिबल है वो हमारा 80 डेसिबल तक सेफ है। अगर हम 80 से ज़्यादा, अगर 85 अगर हम ज़्यादा डेसिबल से ज़्यादा का अगर हम साउंड सुनेंगे तो वो हमें एज ए नॉइस लगेगा। इसके अलावा इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का जो म्यूज़िक या जो भी साउंड होगा उससे हमारा जो ईयर है वो भी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर है अप टू 80 decibels। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रीज़न ऑफ एयर क्लोज टू अर्थ एंड एक्सटेंडिंग अप टू 10 किलोमीटर हाई इज़ कॉल्ड। सो जो हमारा एयर का रीज़न है जो 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लैंकटॉन्स। सो प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, ऑप्शंस आर प्लांट लिविंग इन वाटर, वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड लिविंग इन वाटर, वेरी स्मॉल एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड। सो प्लैंकटॉन्स आपके वाटर में प्रेजेंट होते हैं, दूसरा बहुत ही छोटे होते हैं ये, वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर नोन एज प्लैंकटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एब्सोपेलिजिक। एब्सोपेलिजिक क्या होता है आपका, ऑप्शंस हैं ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट वाटर डेप्थ ग्रेटर देन 2000 meters, ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट वाटर डेप्थ ग्रेटर देन 4000 meters, ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट वाटर डेप्थ ग्रेटर देन 300 meters। सो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले एब्सो क्या होता है, एब्सो होता है आपकी एक डेप्थ वाटर की जो 40,000 से नीचे होती है। सो एब्सोपेलिजिक एनिमल्स को बोला जाता है, वो एनिमल्स जो आपकी 4000 meters से जो ज़्यादा गहरा पानी है वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। ऑप्शंस आर बायोल्यूमिनेसेंस, बायोलाइटनिंग, बायोफ्लोरोसेंस। सो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग बींग्स। इसके अलावा बायोफ्लोरोसेंस क्या होता है, क्या होता है बायोफ्लोरोसेंस, इज़ द एब्जॉर्प्शन एंड रीएमिशन ऑफ लाइट। मतलब पहले तो एब्जॉर्ब कर लिया फिर उन्होंने रीएमिट किया फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोफ्लोरोसेंस। जो बायो वर्ड है वो हमारा लिविंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ विंड मिल्स। ऑप्शंस आर नीदरलैंड, पोलैंड और नॉर्वे। सो जो आपका नीदरलैंड है उसको बोला जाता है लैंड ऑफ विंड मिल्स क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स हैं। इसके अलावा जो आपका नॉर्वे है, जो नॉर्वे है उसे बोला जाता है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट मैन टू ट्रेवल इन स्पेस। ऑप्शंस आर एडविन आल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गगारिन।
सो इसका करेक्ट आंसर है यूरी गगारिन, जो आपके फर्स्ट मैन थे स्पेस में ट्रेवल करने वाले। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो थे आपके फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, कि वो आपके मून पे चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड वेलोसिटी। तो विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर बैरोमीटर, सेकेंड इज एनमोमीटर, थर्ड इज हाइग्रोमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका एनमोमीटर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम विंड की वेलोसिटी को मेजर करते हैं। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू मेज़र द वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, सोयल और इन कन्फाइंड स्पेस, तो उसको हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट अर्थक्वेक्स? रेडियोमीटर, बैरोमीटर और सिस्मोग्राफ। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम मेज़र करते हैं रिचर स्केल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट इन विच रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड? सो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी हम मेज़र करते हैं यूनिट क्यूरी यूनिट में। जो हमारी मैरी क्यूरी थी, मैडम क्यूरी थी, उनके नाम पे ये यूनिट जो है उसका नाम रखा गया है, क्या? दैट इज़ क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रीज़न ऑफ एटमॉस्फियर अबव 400 किलोमीटर एंड हायर इज़ नोन एज। तो 400 से ऊपर का जो भी आपका एटमॉस्फेयर का रीज़न होता है दैट इज़ नोन एज एग्जोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजर डाइट ऑफ पेंडाज इज़, तो जो हमारे पेंडाज होते हैं वो क्या खाते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून्स वगैरह में, तो वो बैम्बू खाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंडेंजर्ड एनिमल। सो जो एंडेंजर्ड एनिमल हैं वो कौन से होते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि आपके एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब कि ख़त्म होने वाले हैं, एक एज पे हैं एक्सटिंक्शन के। क्यों? क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम से डिक्रीज हो गई। सो इनमें से जो आपका एंडेंजर्ड एनिमल नहीं है वो है आपका द मैंड वुल्फ। सो ये आपके क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्सीमेटली 89 क्वेश्चंस हैं ग्रीन ओलंपियाड के लिए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।